तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रविंद्र मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपने कक्षा 8 में राष्ट्रीय आईएमएम योग्यता आधारित परीक्षा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो एडमिट कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कम्प्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक जो 20 वाला ऑप्शन मिलेगा, राष्ट्रीय आईएमएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23, तो एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको जो फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, और रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो भी मोबाइल नंबर आपने फिलअप करवाया था वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर निकल कर आ चुका है, और आप यहां नीचे प्रिंट के ऑप्शन पर प्रिंट करके रख सकते हो, या किसी आप शॉप पे जाकर इसे प्रिंट करा सकते हो।